खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज देश भर के श्रमिक संगठन हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन अपनी 12 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल पर है। हालांकि हड़ताल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने अपना समर्थन नहीं दिया है। हड़ताल का बैंकिंग और बीमा सेवाओं, बिजली आपूर्ति और कोयला खनन पर भी असर पड़ सकता है। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारिता बैंक के कर्मी भी शामिल होंगे। यूपी के 16 लाख कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। तो लंबे अरसे से केंद्र सरकार और नर्स फेडरेशन के बीच सातवें वेतन आयोग को लेकर बातचीत चल रही है, मगर अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, जिसे देखते हुए ऑल इंडिया नर्सिंग फेडरेशन के बैनर तले नर्से भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर है। 12 सूत्रीय मांगे हैं इनकी, और इसको लेकर अगर पूरे देश की हम बात करें तो 15 करोड़ श्रमिक शामिल रहेंगे इस हड़ताल में। स्थायी और बारहमासी कामों के निजीकरण को रोकने की मांग है। देश भर में श्रमिक संगठनों की हड़ताल है, आज देशव्यापी हड़ताल है ये। बैंक कर्मचारी भी इस दौरान हड़ताल पर रहेंगे। आज श्रमिक संगठनों की हड़ताल है। तो देशव्यापी हड़ताल है आज। आपको आपके टीवी स्क्रीन पर अब 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आज देश भर में जो हड़ताल है वो जारी है। दिल्ली की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर वो मुंबई की है, तीसरी तस्वीर कोलकाता की हम आपको दिखा रहे हैं, चौथी तस्वीर है बेंगलुरु की, त्रिवेंद्रम और सिलीगुड़ी, 6 जगह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देशव्यापी हड़ताल है आज। आपको बता दें कि इस दौरान जरूरी सेवाओं पर असर पड़ेगा। कई मांगे हैं, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं आज श्रमिक। ट्रेड यूनियन की हड़ताल है आज, और ऐसे में जरूरी सेवाओं पर असर पड़ेगा। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम और सिलीगुड़ी की। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि आज देश भर के श्रमिक संगठन हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन अपनी 12 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल पर रहेगी। हालांकि हड़ताल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध भारतीय मजदूर संघ ने समर्थन नहीं दिया है। हड़ताल का बैंकिंग और बीमा सेवाओं, बिजली आपूर्ति और कोयला खनन पर भी असर पड़ सकता है। तो ट्रेड यूनियन अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रहा है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह का वेतन किया जाए। आवेदन करने के लिए 45 दिन के भीतर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए। तमाम मांगे हैं, 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर आज देशव्यापी हड़ताल है श्रमिक संगठन की। और सीधा रुख करेंगे हम पहले लखनऊ का, जहां हमारे सहयोगी शिवा तिवारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शिवा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देशव्यापी हड़ताल है, अगर पूरे देश की हम यहां पर बात करें तो करीब 15 करोड़ जो श्रमिक हैं वो इस हड़ताल में शामिल रहेंगे, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 16 लाख श्रमिक हड़ताल पर रहने वाले हैं। कितना असर पड़ेगा इस हड़ताल का? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, चाहे वो कोयला खनन का मामला हो, चाहे वो नर्सिंग का मामला हो, इस तरीके से बैंकिंग का मामला हो, चूँकि बैंकिंग के लोग भी आज हड़ताल पर हैं, तो इस तरीके से बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे आम लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। इसी तरीके से बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में भी कई बड़ी तादाद में कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसमें जो ऑल इंडिया जो कर्मचारी संघ है उनके अलावा साथ साथ जो लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर हैं, जिनमें से जो शिक्षक संघ की भी हड़ताल है, उनको भी वेतन विसंगतियाँ और पेंशन की मांग को लेकर वो हड़ताल पर गए हैं। जो प्रशिक्षित BTC के हैं वो भी हड़ताल पर हैं, और इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर है। तो इससे व्यापक असर पड़ने जा रहा है, जिसका सीधा सीधा असर जनजीवन पर पड़ना है। बैंकिंग की हड़ताल
सबसे बड़ी असरदारक हड़ताल होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो जितना भी व्यापार है, जितना भी लेन देन है बैंक के माध्यम से हुआ है, ज़्यादातर केंद्र सरकार की जो ताज़ा नीतियाँ हैं उसके आधार पर भी बैंकिंग के आधार पर ही सारे लेन देन व्यापार होते हैं, तो ऐसे में बैंक कर्मचारियों के हड़ताल के बाद सीधे जो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है वो आम जनता को के सामने है। बिल्कुल, आम जनता पर इस हड़ताल का व्यापक असर जो है वो देखने को मिल रहा है देश भर में। लेकिन जिस तरह से नर्सें भी यहाँ पर हड़ताल पर चली गई हैं, अगर हम बात करें लखनऊ की ही बात कर लें तो यहाँ पर लगातार डेंगू के मरीज जो हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर नर्सें हड़ताल पर चली जाती हैं तो जाहिर सी बात है इस दौरान मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शिवा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डेंगू का कहर, उसके बाद बाढ़ के बाद जो महामारियां फैलती हैं उसकी भी समस्याएं यहां पर सामने हैं, इसलिए जो अस्पतालों में आजकल मरीजों की तादाद है और ख़ासकर ये बरसात का जो सीजन है इसमें वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां घेरती हैं और अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, और ऐसे वक्त में जब नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर होता है तो सीधा सीधा बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है उन मरीजों के ऊपर जो अस्पताल में है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, या जो नए मरीज है जो अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज कर रहे हैं। चलिए शिवा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा जी भी देहरादून से जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, ट्रेड यूनियन अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रहा है, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो वहां किस तरह का असर देखने को मिल रहा है इस हड़ताल का? देखिए, पहले समझिए कि हड़ताल है क्या, ये हड़ताल क्यों की जा रही है और पूरे भारत में क्यों की जा रही है। ट्रेड यूनियनिस्ट कह रहे हैं कि लेबर के जो नियम बदलने जा रही है भारत सरकार, हम उसका विरोध करते हैं। हमें जो मजदूरी मिल रही है वो कम मिल रही है, हमारी वेतन विसंगतियां हैं जिनको सरकार को ठीक करना होगा। इसीलिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड, इस तरीके से सारे राज्यों में ट्रेड यूनियंस एक्टिविस्ट हो गए हैं और वो अब पूरी ताकत के संग इस टाइम सड़कों पर आ रहे हैं, जिसमें 6 सेमी बैंक भी इनके संग शामिल हैं, परिवहन भी शामिल है और केंद्रीय विभाग जितने भी, यानी कि भारत सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़्यादातर विभाग इसमें साथ आ रहे हैं। तो जब जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा 12 और 1 बजे तक हमें इसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा। ये पहले से तय कार्यक्रम था और इसमें 18 करोड़ लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है कि पूरे भारत में 18 करोड़ लोग पूरे भारत का चक्का जाम करेंगे और उस हिसाब से ये काम किया जा रहा है, जिसमें टेलीकॉम कंपनीज जो भारत सरकार से रिलेटेड हैं वो भी हैं और इसी के संग इसमें सीधे तौर पर डाक विभाग भी आएगा, जो सब जगह पे यूनियंस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा असर पश्चिम बंगाल में आएगा, असम में आएगा और महाराष्ट्र में आएगा, क्योंकि वहाँ ये लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, यहाँ पर उसका असर दिखेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा दिखेगा। जहाँ तक ये है कि एक ही हड़ताल नहीं है, आज से नर्सें भी हड़ताल पर हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हड़ताल पर हैं, तो वो लोग भी जब हड़ताल पर जाएंगे तो अस्पतालों में भारी दिक्कत होगी। अब देखना ये है कि सरकार ने इससे निपटने के कितने इंतजाम किए हैं और अगर इनका प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलता है तो क्या बातें रखता है और केंद्र सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि जब इस तरह की हड़ताल बुलाई जाती है तो सरकार को झुकाने की कोशिश होती है। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस मसले पर झुकती है या नहीं, लेकिन आज हड़ताल है। अभी अभी जो उड़ीसा से खबर आई है, करीब करीब 50 लाख लोग उड़ीसा से हड़ताल पर हैं और वहां पर इसका साफ असर दिख रहा है। जी बिल्कुल, हर जगह से हड़ताल की जो तस्वीरें हैं वो भी प्रखर जी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर पूरे देश की यहाँ पर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि 18 करोड़ के करीब जो श्रमिक हैं वो शामिल होंगे यहाँ पर। लखनऊ के आंकड़े जो हैं वो लखनऊ के बारे में शिवा ने हमें यहाँ पर बताया। अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में कितने श्रमिक हैं जो हड़ताल पर रहेंगे? देखिए, इसकी कोई गिनती नहीं होती है, इसकी कोई गिनती नहीं होती है। अपनी अपनी तरफ से यूनियंस कहती हैं कि हम इतने लोगों को लेके आएंगे, उसमें से तमाम लोग शामिल नहीं होते हैं, कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, ये आंकड़ा कोई नहीं बता सकता है। बिल्कुल प्रखर जी, इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार डेंगू के जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, अब नर्सें भी हड़ताल पर चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मरीजों को तमाम तरह की परेशानी उठानी पड़ेंगी उत्तराखंड में। वो अभी भी उठानी पड़ रही है, हल्द्वानी के अंदर भी डेंगू फैल गया है, करीब 15 से 20 मामले हल्द्वानी में नए देखने को आए हैं और 45 मामले हरिद्वार में पहले से हैं, रुड़की में भी 10 से 15 मामले हैं, 20 मामले इस संबंध में नैनीताल के अंदर हैं और 520 के आसपास का आंकड़ा पहले ही देहरादून के अंदर है।
तो आप इससे समझ लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा डेंगू का कहर है और सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इस संबंध में कल मीटिंग भी बुलाई गई थी और उस मीटिंग में सीएमओ सहित गृह सचिव भी शामिल हुए और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हुए, मुख्य सचिव भी शामिल हुए और ये कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से इसको रोका जाए। मुख्यमंत्री ने देर रात तक बैठक ली है, मुख्यमंत्री ने करीब रात में 10 बजे हम लोगों से बात की है कि हम कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा डॉक्टर बढ़ा रहे हैं और वार्ड बढ़ा रहे हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारे पास अभी जगह है लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं, लोग खाली डर रहे हैं। हर बुखार डेंगू नहीं होता है, इसलिए सबकी जांच भी करा रहे हैं, ब्लड सेपरेटर भी लगाए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रखर जी तमाम जानकारी देने के लिए। इसके साथ ही हमारे सहयोगी शिवा भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ट्रेन यूनियन अपनी मांगों के लिए आज हड़ताल कर रहा है और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।